तो दोस्तों आज हम बात करने वाले वीवो की तरफ से आने वाले 5G डिवाइस के बारे में, जिसका नाम होने वाला है वीवो X30। और इस फोन में हमको 5G कनेक्टिविटी के साथ 60x तक का ऑप्टिकल जूम और एक्सोनस 980 का प्रोसेसर भी देखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं वीवो X30 के बारे में, क्या कुछ मिलने वाला है आपको इस फोन में और कब तक कितने प्राइस में ये फोन इंडियन मार्केट में भी लॉन्च होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसके डिज़ाइन से। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है ग्लास बैक, जो कि आने वाला है गोरिल्ला ग्लास 6 के प्रोटेक्शन के साथ। और उसके साथ ही यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने के लिए मिलने वाला है। और उसके साथ ही दोस्तों अगर बात करते हैं इसके फ्रंट सेट के बारे में, तो यहाँ पे आपको 6.8 इंच का फुल HD प्लस डबल पंच होल वाला डिस्प्ले मिलेगा, जो कि एक सुपर एमोलेड पैनल होगा। और उसके साथ ही यहाँ पे आपको मिलने वाला है 2 रैम वेरियंट 6GB के साथ 128GB रोम और 8GB के साथ 256GB रोम। और उसके साथ ही दोस्तों अगर बात करते हैं इसके रियर साइड के कैमराज के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है क्वाड रियर कैमरा, जिसका मेन सेंसर होने वाला है 64 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, 8 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस भी देखने के लिए मिलने वाला है। तो दोस्तों देखा जाए तो इसके कैमराज का परफॉर्मेंस हमको काफ़ी अल्टीमेट मिलने वाला है। और इसके साथ ही दोस्तों अगर बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं 2 टाइप्स के प्रोसेसर, जो कि होने वाला है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G और दूसरा प्रोसेसर होने वाला है एक्सोनस 980 SoC। और उसके साथ ही दोस्तों अगर बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 4000mAh बैटरी, जो कि 30W के फास्ट चार्जिंग के साथ आने वाला है। और इसका फास्ट चार्जर इसके बॉक्स के अंदर ही देखने के लिए मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट 3.5mAh हो जाएगा और उसके साथ ही NFC का भी सपोर्ट मिलने वाला है। और उसके साथ ही दोस्तों अगर बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरे के बारे में, तो यहाँ पे आपको डबल पंच होल सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलने वाला है, जिसका मेन सेंसर होने वाला है 16 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर। और दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, तो यहाँ पे आपको 2 टाइप्स के फ़ोन मिलने वाले हैं, जो कि होने वाला है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G के प्रोसेसर के साथ और दूसरा एक्सोनस 980 SoC के साथ। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G वाला वेरियंट आपको लगभग मिलने वाला है 13 से 15 हज़ार के बीच में, और एक्सोनस 980 का SoC आपको मिलने वाला है 20 से 25 हज़ार के बीच में। तो दोस्तों देखा जाए तो इसके कैमराज और प्रोसेसर का परफॉर्मेंस हमको काफ़ी अल्टीमेट मिलने वाला है। अगर आपको एक अच्छा प्रोसेसर और एक कैमरा सेंट्रिक फ़ोन चाहिए, तो शायद से ये फ़ोन आपके लिए बेहतरीन चॉइस होने वाला है। और उसके साथ ही दोस्तों अगर बात करते हैं इसके लॉन्च डेट के बारे में, तो ये फ़ोन चाइना में लॉन्च होने वाला है 2020 के फर्स्ट वीक में, बाद में ये फ़ोन जल्द ही इंडिया में भी लॉन्च होगा। तो दोस्तों यही था वीवो X30 के बारे में कुछ कन्फर्मेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। ये वीडियो आपको पसंद नहीं आया तो आपको बताइए कि क्या करना है, कमेंट में बॉक्स में जाके कमेंट करना है और आपका इशू हमको बताना है, उससे कि हम हमारे अगले वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट करके दिखाएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।